हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा और आज हम बात करेंगे राग हंस ध्वनि की एक तीन ताल की गत की। तो हंस ध्वनि के बारे में आपको ऐसे मैंने बता चुका हूं पहले, फिर भी बता देता हूं। ये बिलावल थाट का राग है, यानी कि सारे स्वर उसमें शुद्ध लगते हैं। ये ओडव जाति का राग है, यानी कि सिर्फ इसमें 5 स्वर लगते हैं। म और ध संपूर्णतया वर्जित है। तो इसका आरोह होगा सारे ग पनीसा और अवरोह होगा सानी प गरेसा। इसके वादी स्वर है सा और संवादी स्वर है पंचम। अब हम एक बंदिश लेते हैं जो कि तीन ताल में है और ये बंदिश 7वीं मात्रा से शुरू होती है। तो इसका नोटेशन गाकर और बजाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, उसके पहले एक बार पूरी बंदिश बजा के देख लेते हैं कैसी लगती है, उसके बाद मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। इस राग के आरोह अवरोह है। सानी पगरे सा। इसकी देखते हैं बंदिश। यह है तीन ताल, 140 बिट्स पर मिनट की स्पीड में है और ये फ्लूट है ए शार्प, यानी काली 5 स्वर में। नोटेशन गाकर और फ्लूट पे बजाकर आपको मैं समझाता हूं, ताकि अगर आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। तो पहली लाइन 7वीं मात्रा से शुरू होती है। ग प सा नी प ग सा रे, ग प सा नी प ग रे ग सा सा। फिर से ग प सा नी प ग सा सा रे, ग प सा नी प ग रे ग सा सा। सानी प ग सा सा रे, ग प सा नी प ग रे ग सा सा। फिर ये सा 4 बिट का एक्सटेंड करके फिर
नी पसा। अब दूसरी लाइन आगे शुरू होती है, पनी सारे ग सारे पग सारे नी पसा, पनी सारे ग सारे पग सारे नी पसा। अब यहाँ मुख्य फ्रेज मेन लाइन पे नौवीं मात्रा से जो होती है वो शुरू, गप्पा आगे वाला नहीं लेना है, डायरेक्ट सानी पग सारे ये उठाना है। देखिए कैसे, सारे ग सारे पग सारे नी पसा, पनी सारे ग सारे पग सारे नी पसा, सानी पग सा सारे ग पसानी पग सा सा। अब इसका अंतरा जो कि नौवीं मात्रा से शुरू होता है, पनी नी सा पनी सा सा गरे नी सा, ग पनी नी सा पनी सा सा गरे नी सा, पनी सा गरे नी पा सा नी प गरे ग पनी सा, पनी सा गरे नी पा सा नी प गरे ग पनी सा सा नी प ग सा सा रे। अंतरे की दूसरी लाइन, फिर से दूसरी लाइन के बाद स्थाई की पहली लाइन नौवीं मात्रा से यानी सा से वास उठानी है। देखिए, पनी सा गरे नी प सा नी प गरे ग पनी सा सा नी प ग सा सा रे, ग प सा नी प गरे ग सा सा, ग प सा नी प ग सा सा रे, ग प सा नी प ग रे ग सा सा। तो ये अंश ध्वनि की पूरी गत है, बहुत ही फेमस है, बहुत लोगों ने इसको बजाई हुई है, आप इंटरनेट पे चेक करेंगे मिल जाएगी, तो ये तैयार करने जैसी है। दूसरी एक बंदिश है जो कि बहुत फेमस है, हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बजाई है, लागे लगन पति सखी सन, लागे लगन पति सखी सन, ग प ग रे सा नी प रे रे ग रे सा रे, ग प ग रे सा सा प रे रे ग रे सा। तो ये बंदिश में नेक्स्ट एपिसोड में पूरी की पूरी आपको सिखाऊंगा। इस बार के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंटल बंदिश है, गत है, करने जैसी है, बहुत अच्छी है, आप अवश्य करिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे खूब देखा है, बहुत देखा, बहुत सराहा भी है, तो इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ, थैंक यू वेरी मच। राग हंस ध्वनि। प्रचलित हंस ध्वनि राग कर्नाटक संगीत का राग है। वर्तमान समय में उत्तर भारतीय संगीत में उसका प्रचार है। इसको हम बिलावल थाटजन्य मान सकते हैं। मध्यम और धैवत वर्जित हंसध्वनि राग की जाति ओडव ओडव है। उसके वादी और संवादी के बारे में मतभेद है। कई विद्वान षडज को वादी और पंचम को संवादित्व प्रदान करते हैं, तो कई गुणीजन